हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलिए, एक शेरवानी है जो हमारे पास, जो कि सामने की तरफ से जल गई है। ये देखिए, ये जला हुआ हिस्सा है और ये होल है हमारी शर्ट का, जो बटन होता है तकरीबन उतना ही। चलिए समझ लेते हैं रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सीजर चाहिए, सेम कलर का धागा चाहिए और एक सुई चाहिए। मेरे पास 10 नंबर की सुई है, आप 8, 9, 10 जो भी हो आपके पास उससे काम चला लीजिए। और धागा देख लेते हैं, हमने धागा कहाँ से लिया। जो शेरवानी उसके अंदर की तरफ जो सिलाई होती है वहाँ से हमने ये धागा निकाला है, सेम कलर का। ये देखिए, सुई की मदद से निकाला। ये जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है ना, ये एम्ब्रॉयडरी ही हमने इसमें से निकाली है। एक्चुअली हुआ क्या, मेरे पास सेम कलर का थ्रेड नहीं था तो बाज़ार से भी नहीं मिला, तो फिर इसकी एम्ब्रॉयडरी ही मैंने इसमें से निकाली। चलिए ट्रिक समझ लेते हैं कि सुई के अंदर धागे को आप ऐसे भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हमारी सुई के अंदर थोड़ा सा बैंड आ गया है तो उसे मैंने सीधी कर ली है। अगर आपकी भी कोई सुई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बैंड आ जाता है, तो आप उसे सीधी कर सकते हैं। देखिए, वो भी हमने दिखा दिया है। धागे के आखिरी हिस्से में हमने एक गांठ लगा ली है ताकि जो हम रिपेयर करेंगे ये खुले नहीं। ये देखिए, गांठ वाला हिस्सा हम अंदर की तरफ कर लेंगे। शेरवानी है ये और ये जल गई है, तो आपका भी कोई कपड़ा हो जो जल जाता है, बटन जितना होल हो जाता है आपकी शर्ट का, जो बटन होता है उतना बड़ा कोई होल होता है या उससे बड़ा होल होता है, तो आप उसे ऐसे रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन रिपेयर करने का जो तरीका होगा वो ताना बाना कर कर होगा। जी हाँ, छोटे होल जो होते हैं, छोटे छेद जो होते हैं हमारे कपड़ों में, उन्हें हम ताना बाना करके रिपेयर कर सकते हैं। ये इसका पहला तरीका है। पहले हम इस पर ताना चढ़ा रहे हैं। जी हाँ, ये जो हम धागे रख रहे हैं इसके ऊपर, होल के ऊपर, इसे ताना बोलते हैं। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको ताना चढ़ा देना है। ये देखिए, बारीक जहाँ से सुई आप निकाल रहे हैं बस उसी के बराबर में से आपको सुई अंदर डालनी है और निकाल लेनी है, और सामने वाली साइड से। तो ऐसे करके आप ताना चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, सेम कोशिश कीजिए कि धागा आप सेम कलर का ही लें, क्योंकि धागा सेम कलर का होगा ना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ताकि आपको नजर नहीं आए। ये देखिए, ताना हमारा चढ़ गया है बिल्कुल ऐसे ही। और अब इसमें बाना डालेंगे। ये दूसरा स्टेप है, जो गांठ वाला हिस्सा उसको हमने अंदर ले लिया है। और बुनाई करने का तरीका आप देख लीजिए, जैसे कि आप वीडियो में देखते ही हैं। और ये देखिए, थोड़ा सा करीब कर लिया है, जूम कर लिया है। इसे ऐसे ही रिपेयर करना है, एक धागा छोड़ना है, एक धागा उठाना है, फिर एक धागा छोड़ना है। यही बुनाई करने का इसका तरीका होता है। तो आपको ऐसे ही बुनाई कर लेनी, जो छोटे होल होते हैं हमारे जो ड्रेसेस होती हैं उनमें हो ही जाते हैं, अगर बत्ती से जल जाता है या सिगरेट से जल जाता है, या अगर आप स्मोकर हैं तो अदरवाइज जलने वाले कपड़े जल ही जाते हैं, चाहे वो कैसे भी जलें। तो उसको आप ऐसे रिपेयर कर सकते हैं घर पर खुद से। और ये देखिए, और ये एक आर्ट है, इसे सीख जाइए। और सीखने के लिए इसका एक ट्यूटोरियल मैंने रखा हुआ है, प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, वहाँ पर है। ये रफू करना सीखें, आप उसको देखिए। अगर आप उसको देख लेते हैं और स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप जान जाएंगे कि रफू कैसे होता है। आप खुद से भी इसे रिपेयर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जी हाँ, और अगर ये अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने जो खूबसूरत कपड़े होते हैं जो किसी वजह से जल जाते हैं या कट जाते हैं, फट जाते हैं, छोटे मोटे होल ऐसे हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, तो आप उसे रिपेयर कर सकते हैं ताना बाना कर कर। बड़ा कोई कट लग जाता है एक्सक्यूज मी, जैसे बड़ा कोई कट गया तो एल शेप में कट गया, आई शेप में कट गया, तो उसे भी आप रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें ताना बाना नहीं होता, उसमें तो आपको दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देखिए, ये हमारा लगभग बनने के करीब है, बिल्कुल ऐसे ही आपको रिपेयर कर लेना है। ये शेरवानी है और ये जल गई थी, इसे हमने रिपेयर कर रहे हैं इसे। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको रिपेयर करना है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आप अपने कटे हुए जले हुए कपड़ों को घर पर खुद से रिपेयर कर सकते हैं।
हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हमारे पास होनी चाहिए एक सुई, सेम कलर का धागा होना चाहिए। ये देखिए, ये रिपेयर हो गया है, देखिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखिए। गुड बाय।